मुख्यमंत्रियों के बारे में खूब सुना होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि कोई व्यक्ति अपने प्रदेश में दो बार मुख्यमंत्री रह जाए। परंतु जिसके पास रहने के लिए एक मकान भी न बन सका हो, जी हाँ, ऐसे ही बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हुए हैं, जिन्हें जननायक कहा जाता है। इनके जीवन की वो पांच सादगी सुनाते हैं जिन्हें सुनकर कई नेताओं ने आंसू बहा दिए थे। जन से भी इंसान लाल बहादुर शास्त्री जैसे सेवा में रहते कुर्बान पूरे देश में इनके जैसा। सीएम कोई नहीं है महान पूरे देश में इनके जैसा। पहली बार विधायक बने, ऑस्ट्रेलिया जाने का उनका प्रतिनिधि मंडल में चयन हुआ। उनके पास पहनने को कोट नहीं था, एक दोस्त से मांगा, वो भी हटा था। वहां मार्शल टीटो ने यह देखकर नया कोट गिफ्ट किया, जिसे मुश्किल से इनने स्वीकार किया। गरीब के ए भगवान हर महिलाओं को शुभ दाएं, आरक्षण भी लेकर आए, नौकरी भी दी है सरकारी, दलितों का उत्थान कराए, इनका शासन इतना बढ़िया, घोटाले ना छुए कहां, इनकी बढ़िया सत्ता देख के ऊंचे लोग गए खलाए, सारे आम पकते थे गाली, नफरत इनसे रही जताए, जात के ऊंचे कर्म के नीच थे, इनकी शोहरत पचती ना, कर्पूरी जी का जीवन परचे, आप सभी को रही सुनाए, कर्पूरी जी का जीवन परचे। जी का जीवन
माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की दूसरी सादगी। 80 के दशक की बात है, विधानसभा की बैठक चल रही थी, लंच के लिए आवास जाना था। अपने दल के एक विधायक से जीप मंगवाई। उस विधायक ने कहा, मेरी जीप में तेल नहीं है, दो बार के मुख्यमंत्री हो, कार क्यों नहीं खरीदते। तब से कर्पूरी ठाकुर जी रिक्शे से आते जाते थे। भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश में चला, कहां था जुनून ऐसा भक्ति का, देश प्रेम में डूबे ठाकुर की तीसरी सादगी। साल 1974 था, इनके छोटे बेटे का मेडिकल की पढ़ाई में चयन हुआ, फिर अचानक बीमार पड़े, दिल्ली राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हुए। हार्ट सर्जरी होनी थी, सरकारी खर्च पर अमेरिका में जाने की पेशकश इंदिरा गांधी ने किया, किंतु कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा, मर जाएंगे लेकिन बेटे का इलाज सरकारी खर्च पर नहीं कराएंगे। बिता दिए संघर्ष में जीवन, किसी से ना एहसान मंगाए, सरकारी खर्चे में ये तो इलाज अपना नहीं करा, ¡Gracias!
जी भी ध्यान लगा लालू और करपुरी ठाकुर में जेद जमी आसमां का दिखा एक अर्थ पे पहुंच गया है एक फर्श पे है कहला सबका एक ही मान धर्म है सबका अलग सिद्धांत कहा दोनों जेल गए हैं लेकिन दोनों में अंतर कहला दोनों जेल गए हैं लेकिन बिहार में अपनी अनूठी छवि के लिए जाने जाते श्री करपुरी ठाकुर की चौथी सादगी बात 1977 की है पटना के पदम कुआं में चरखा समिति भवन में जयप्रकाश को जन्मदिन कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर नाना जी देशमुख कई नेता थे करपुरी ठाकुर फटा कुर्ता और टूटी चप्पल के साथ पहुँचे सब हंसने लगे चंद्रशेखर सीट से उठे और अपने कुर्ते को फैलाकर कुर्ता फंड मांगने लगे और कहने लगे लीजिए कुर्ता बनवा लीजिए परंतु उस राशि को मानिए करपुरी ठाकुर जी ने राहत कोष में जमा करवा दिया सब दंग रह गए सादगी एक बार प्रधानमंत्री रहते हुए चौधरी चरण सिंह उनके घर गए दरवाजा अधिक छोटा होने के कारण सिर में लग गया उन्होंने कहा जरा इसको ऊंचा करा लो तब करपुरी जी ने कहा था जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता मेरा घर बन जाने से क्या होगा चौधरी चरण सिंह इतना सुनकर दंग रह गए ऐसे थे हमारे जननायक करपुरी ठाकुर जी करपुरी जी के ना रहने की घटना एक रही बतला बहुगुणा हेमपति नंदन ने आंसू अपने दिए बहा करपुरी जी का निधन हुआ था शोक मनाने गाँव को पहुंचे जाए गाँव में उनकी देख झोपड़ी
और जैसे पूजे जाए एक भी जैसे।